हाय स्टूडेंट्स एंड गाइस, मैं जयसर अगेन आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ एक्टिव वाइज पैसिव वाइज को आगे बढ़ाते हुए। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज में आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भविष्य काल। हम एक्टिव वाइज पैसिव वाइज में रोज एक काल की एक एक सेगमेंट की बात कर रहे हैं। हम आज भी एक नए सेगमेंट को लेकर के आए हैं और उस सेगमेंट पे बात करेंगे, उसके बारे में आगे पढ़ाएंगे बताएंगे। लेकिन रोज की तरह एक कुछ बातें हो जानी चाहिए। हम लोग अंग्रेजी से डरते हैं, दूसरी भाषा से डरते हैं, बहुत डर लगता है। वो डर कैसे खत्म होगा? हमको ट्रेनिंग लेना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो उसके लिए एक मुझे याद आता है चंद्रगुप्त मौर्य, राजा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सभी ने सुना है। उनका गुरु चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य था। जब चंद्रगुप्त मौर्य छोटे होते हैं तो उनको अस्त्र शस्त्र की, राजनीति शास्त्र की, सभी की ट्रेनिंग चाणक्य देते हैं। और ट्रेनिंग लेते लेते चंद्रगुप्त मौर्य एकदम थक जाते हैं और कहते हैं कि चाणक्य से कि गुरुदेव, क्या राजा बनना इतना ही कठिन है? इतना मेहनत करना पड़ता है? क्या इतना संघर्ष झेलना पड़ता है कि रियल में राजा बनना इतना कठिन है? चाणक्य को कहते बेटा, अगर राजा बनना इतना ही आसान होता तो ना तुम्हें चाणक्य की जरूरत पड़ती और ना मुझे चंद्रगुप्त मौर्य की जरूरत पड़ती। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन गए वो चाणक्य की देन थी। चाणक्य जैसा उनको गुरु मिला, उन्होंने उनको राजनीति शास्त्र के अर्थशास्त्र सभी विद्या की उनको ट्रेनिंग दी और राजा बने। तो कोई काम इतना आसान भी नहीं होता और उसके लिए आपको कोई मोटिवेशन होना चाहिए, कोई आपको प्रेरणा देने वाला, कोई आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए, कोई आपको गुरु होना चाहिए। जिसे मैंने एक वीडियो में कहा भी था, आप गुरु मित्र ये सभी चीजों को सोच समझ के अपनी जिंदगी बनाइए जो आपको जिंदगी में आगे लेके जाते हो। चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य जैसा गुरु मिला और राजा बन गए। नहीं तो चंद्रगुप्त मौर्य एक दासी के बेटे थे, कोई दासी का बेटा जो है राजा नहीं बन सकता था उस टाइम पे। जैसे आज के टाइम पे बात होती है नरेंद्र मोदी चाय बेचते बेचते वहां पर, आज राजाशाही नहीं है, आज के टाइम पे लोकशाही है। लेकिन वो राजाशाही के टाइम पे उस समय भी गुरु की बहुत बड़ी बात थी कि चाणक्य जैसा गुरु चंद्रगुप्त मौर्य को मिला और राजा बन गए। तो इस तरह से आप अपने लक्ष्य पे आगे बढ़ते रहिए और अच्छे गुरु का चुनाव करिए। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और एज ए गुरु मैं आप लोगों की मदद करता रहूंगा, आपको आगे बढ़ाता रहूंगा। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पूर्ण भविष्य काल। पूर्ण भविष्य काल की अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले लिखा गया सूत्र है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट शैल विल हैव बीन 1 3 प्लस बाय और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। अगर आप पूरे फॉर्मूले को देखो तो कहीं कुछ चेंज नहीं होता, सिर्फ इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है यही चेंज हो जाता है और कहीं पे कोई चेंज नहीं होता है। अब हम आगे बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस हकारात्मक वाक्य की, जिसमें कहा गया है आई शैल हैव रिटन दिस बुक, मैं इस किताब को लिख चुका होऊंगा। अब इसमें मैंने जैसे बताया कि एक्टिव से पैसिव करने के लिए दो शर्तें हैं, एक तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। दूसरी बात यह है आपको कर्ता क्रिया कर्म सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट अलग अलग करते आना चाहिए। अब हम सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को अलग अलग करेंगे। आई जो है सब्जेक्ट है, शैल है हेल्पिंग वर्ब, रिटेन मेन वर्ब, दिस बुक ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम नियम अप्लाई करते हैं, जो नियम फॉर्मूला बताया गया एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट दिस बुक है उसको उतार दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन या विल हैव बीन, तो यहाँ पे विल हैव बीन हो गया। अब यहाँ पे देखोगे एक चीज, यहाँ पे आई शाफ में शैल हैव लिखा गया है लेकिन यहाँ पे दिस बुक के साथ में विल हैव बीन लिख गया। क्यों हो गया? क्योंकि मैंने पहले भी बताया था आई और वी के साथ में शैल आता है, बाकी सभी के साथ में विल आता है, इसलिए यहाँ पे विल हैव बीन आया है। इसके बाद बात करते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो राइट रोट रिटर्न, तो क्रिया का तीसरा रूप रिटर्न है और इसके जो कर्ता है आई है उसका बाई भी हो जाता है। इस तरह से एफर्मेटिव सेंटेंस एक्टिव से पैसिव क्लियर होता है। आगे हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस, दे विल नॉट हैव डन द वर्क बाय 2021, वह इस काम को 2021 तक पूरा नहीं कर चुके होंगे। अब इसको हम एक्टिव से पैसिव में ले जाने पहले कर्ता क्रियाकर्म को अलग अलग करेंगे।
दे सब्जेक्ट विल हेल्पिंग वर्ब नॉट नेगेटिव वर्ड है और ये हैव भी वही हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है। टर्न मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, द वर्ब ऑब्जेक्ट है और बाय 2021 एक्स्ट्रा वर्ड है। अब हम इसको पैसिव में ले जा रहे हैं तो इसको ऑब्जेक्ट को पहले नियम के हिसाब से उतारेंगे तो द वर्ब हमने पहले उतार दिया और उसके बाद में विल का विल उतर गया और नेगेटिव वर्ड जो नॉट है उसको हमने नॉट उतार दिया, हैव को हैव की उतार दिया और क्रिया का थर्ड रूप टू डिड डन डन ऑलरेडी तीसरा फॉर्मेट है ये लिख दिया और उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड ध्यान देने वाली बात है पैसिव वॉइस में बाय लगाया जाता है, यहाँ पे बाय 2021 देख करके कंफ्यूज नहीं होना चाहिए क्योंकि एक्स्ट्रा वर्ड है तो इसलिए हम एक्स्ट्रा वर्ड को बाय 2021 हमने लिख दिया और उसके बाद सब्जेक्ट बच रहा है दे उसका फिर बाय हम देखिए यहाँ पे दो बार बाय बाय आया है, एक वाक्य में पहले ही दिया है दूसरा हमने नियम के हिसाब से बाय दे लिख दिया है। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस क्लियर होता है एक्टिव से पैसिव। आगे हम बात करते हैं हेल्पर से इंटरोगेटिव विल दे हैव पब्लिश्ड टू बुक्स इन जून, क्या वह सभी जून में जून महीने में दो किताब प्रकाशित कर चुके होंगे तो इसमें हम अगेन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को अलग अलग करेंगे, विल हेल्पिंग वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, हैव अगेन हेल्पिंग वर्ब है, पब्लिश है मेन वर्ब है और टू बुक्स ऑब्जेक्ट है, इन जून एक्स्ट्रा वर्ड है। इस तरह से हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को अलग अलग कर दिए। अब इसको पैसिव में ले जाएंगे तो जिस तरह से क्वेश्चन है प्रश्नार्थ है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब पहले उतरेगा, विल विल का विल उतर गया, इसके बाद है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है टू बुक्स तो टू बुक्स हमने उतार दिया और इसके बाद जो हैव रह गया इसको हैव पे या हैव की जगह उतारा, इसमें बीन जोड़ दिया बैन बीन लगा है बीन लगा दिया, वर्ड का थर्ड फॉर्म पब्लिश लिखा पब्लिश हो गया और इन जून ये एक्स्ट्रा वर्ड है और बाय जब दे का बाय जब हो जाता है। इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो है सहायक क्रिया वाली ये क्लियर होता है से पैसिव आगे बढ़ा। हाँ तो हम आगे फिर बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसको आगे बढ़ाते हैं और उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए लेकिन आप प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और एक बात मेरी याद रखना लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई, मैं बार बार इसको बोलता हूँ कि लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई मतलब आप लोग पढ़ने में गलती मत करो, अगर जो अभी तक नई वीडियो से जुड़े हैं मेरे साथ नहीं जुड़े उसको जुड़ जाइए और उसको पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए। हम आगे इस टॉपिक को अब बढ़ाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नार्थक अगर एक्टिव वॉइस में दिया गया है तो उसको पैसिव में कैसे लेके आएंगे, पहले हम कर्ता क्रियाकर्म को अलग अलग करते हैं तो हु क्वेश्चन वर्ड है, विल हेल्पिंग वर्ब है, दोनों हेल्पिंग वर्ब ही है, विल मेन वर्ब है, 10K buildings ऑब्जेक्ट है, Who will have built 10K buildings मतलब इसका होता है किसने 10,000 बिल्डिंग बनाया होगा, जब बना चुके होंगे कौन 10,000 बिल्डिंग बना चुके होंगे तो इसको पैसे में ले जाएंगे तो Who का जिसे हर बार की तरह बताया है Who के पहले उसको बाय हूम कर देते हैं Who का बाय हूम, उसके बाद ऑब्जेक्ट को उतारेंगे 10K बिल्डिंग ये उतारा, उसके बाद में विल हैव बी ये उतारा, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बिल और क्वेश्चन मार के अब यहाँ पे बाय पीछे नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे बाय आ चुका है और इसके अंदर जो है सब्जेक्ट नहीं दिया गया। आगे बात करते हैं दूसरा व्हाई दे विल हैव इन्फॉर्म्ड अस, वह सभी हमको क्यों इन्फॉर्म कर चुके होंगे तो व्हाई क्वेश्चन वर्ड है, दे सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, इन्फॉर्म्ड मेन वर्ब है और अस ऑब्जेक्ट। अब जिसे मैंने बताया था कि दूसरे क्वेश्चन वर्ड के साथ के पहले बाय नहीं लगता है इसलिए यहाँ पे सिर्फ उसको सिर्फ क्वेश्चन वर्ड को उतार देंगे वाई का वाई आ जाएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट अस है, मैंने बताया हम पैसिव में अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे अस दिया है तो उसको एक्टिव अगर एक्टिव में कर्म की जगह पे अस दिया है तो उसको हम पैसिव में लाएंगे वहां पे वी हो जाएगा। उसके बाद में सर हैव बीन सहायक क्रिया मेन वर्ब इन्फॉर्म का इन्फॉर्म है थर्ड फॉर्म और दे देगा बाय देम, इस तरह से इंट्रोगेटिव ये क्लियर होता है। दूसरा अफर्मेटिव एक लाख दिया है
Somebody will have told the news about Antonio. अब इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब को ऑब्जेक्ट को अलग करेंगे. सम बॉडी सब्जेक्ट विल हैव हेल्पिंग वर्ब टोल्ड मेन वर्ब द न्यूज ऑब्जेक्ट अबाउट एंटोनियो ये एक्स्ट्रा वर्ड है. अब इसको पैसे मिला रहे हैं तो नियम के हिसाब से ऑब्जेक्ट को पहले उतारेंगे. द न्यूज को हमने पहले उतार दिया. इसके बाद में नियम के हिसाब से शैल हैव बीन या विल हैव बीन तो विल हैव बीन दिया है. इसके साथ में विल हैव बीन आ जाएगा. इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म टोल्ड टेल टोल्ड टोल्ड तो टोल्ड थर्ड फॉर्म है. इसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड अबाउट एंटोनियो और देखिए बाय सम बॉडी नहीं लिखा है इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि अनसर्टेन है कर्ता अनिश्चित है ये यहाँ पे ये हो जाता है. और इस तरह से आज का टॉपिक एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस से पूरा होता है. मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो ये जो टॉपिक है समझ में आ रहा है पसंद आ रहा है. आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए. इसमें अभी भी और कुछ सेगमेंट बात किए हैं मैं आगे आने वीडियो में डालता रहूंगा उसको आपको समझाऊंगा. आज के लिए थैंक यू सो मच.